हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स मैथ में हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, फ्रैक्शंस या भिन्न। और इसकी एक्सरसाइज 7.1 हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम इसकी एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो पॉइंट्स हैं उनमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर भिन्न। तो संख्या रेखा या नंबर लाइन जो है ये हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं। एक ऐसी लाइन जिस पर हम नंबर्स को शो करते हैं उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। तो इस पर हम फ्रैक्शंस को कैसे दिखाएंगे, संख्या रेखा पर भिन्नों को कैसे दिखाएंगे वो हमने देखना है। तो उसके लिए मैं पहले एक लाइन ले लेता हूँ जिसे हम नंबर लाइन कहेंगे। तो ये एक लाइन ली हमने और इसके दोनों साइड हम एरो लगा लेते हैं इस तरह से, और इस पर हम नंबर शो करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये 0, 1, 2, 3 इस तरह से, और पीछे की साइड सेम डिस्टेंस पर -1, -2, -3 इस तरह से ये चलता है। अब आपको यहाँ कहा जाए कि 1/2 बताओ कहाँ पर होगा, ये 1/2 कहाँ पर होगा इस नंबर लाइन पर, इस तरह से आपने ये करना है। तो 1/2 इसे हम आधा या हाफ भी कहते हैं, आधा या हाफ, ये इसका मतलब है ये 1 का आधा है। तो 1 और 0 के बीच में पड़ेगा ये, यहीं से आप इसको देख सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में 1 का आधा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सेंटर में 0 और 1 के बीच में यहाँ पर ये पॉइंट होगा और इसका नाम होगा 1/2। तो 1/2 एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें भी पूछा हुआ है 1/2, तो उस तरह से आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और नंबर्स हों तो उनको कैसे करें, जैसे 1/3 हो, 1/5 हो, 2/7 हो, तो इस तरह के नंबर्स को, ये जो फ्रैक्शंस हैं इन्हें हम संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे वो हमने यहाँ देखना है। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ और फिर से देखते हैं कि हम इनको किस तरह से दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये 1/3 दिखाना है कहाँ पर होगा, तो 1/3 का मतलब है 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट लेना है। जैसा हमने पहले भी किया हुआ है, हमने ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल के 3 इक्वल पार्ट्स इस तरह से कर दिए थे और उसमें 1/3 दिखाना था, तो इस तरह से हमने शेड किया था उसको, ये था 1/3 तीन में से एक। तो वैसे यहाँ भी हमें 3 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे, हर एक इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास 0 to 1 जो है इसके हम 3 बराबर हिस्से कर देंगे इस तरह से, और उसमें फिर हम कह सकते हैं कि ये 0 है, उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट ये 1/3 है, नेक्स्ट जो है ये 2/3 है, ये जो है नेक्स्ट ये 3/3 हो गया, इसे ही हम 1 बोलते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा जैसे, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के भी इसी तरह से 3 पार्ट्स करें, तो ये 4/3, 5/3, 6/3 इस तरह से चलता जाएगा। तो आपको सिर्फ 1/3 पूछा था तो वही यहाँ पर हो गया। तो कर क्या रहे हैं, नीचे क्या है वो देखना है आपने और उतने पार्ट्स करने हैं। तो इसको करना कैसे है उसके लिए फिर से शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन लेनी है इस तरह से, जिसे हम नंबर लाइन या संख्या रेखा कहेंगे, और इस पर दोनों साइड एरो लगाने हैं। अब आपको कहा है मान लो कि 3/5 बताओ कहाँ पर होगा, तो 3/5 के लिए हम पहले ही नहीं 0, 1, 2, 3 लगा लेंगे, आपको पता है नेगेटिव आना ही नहीं है, तो इसलिए इस साइड हम 0 ले सकते हैं इस तरह से। और अब 1 कहाँ लगेगा उसके लिए आप स्केल का यूज़ करें और हर एक हाफ सेंटीमीटर के बाद निशान लगाते जाएं, और टोटल 5 लगाने हैं आपने, क्योंकि यहाँ पर नीचे 5 है, तो आधे आधे सेंटीमीटर के बाद आप कट लगाते जाएँ इस तरह से और काउंट करते जाएँ इनको 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद यहाँ पर 1 लिखें, अगर यहाँ नीचे 8 होता तो 8 लगाने थे इस तरह से, उसके बाद हमने 1 लिखना था। तो इस तरह से आपके इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। उसके बाद फिर 2 कहाँ होगा, तो उसमें भी इतने ही पार्ट्स होंगे, तो आधे आधे सेंटीमीटर के बाद फिर से आपने इसको मार्किंग करते जाना है 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर हो जाएगा ये 2। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप कर सकते हैं। अब 3/5 कहाँ होगा, तो इसमें आपकी काउंटिंग इस तरह से चलेगी, ये 0/5 हो गया, 1/5, 2/5 और ये 3/5, क्योंकि 5 हिस्से किए हैं हमने हर एक के, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 3/5। इस तरह से आपने मार्किंग करनी है। इसमें आपको पूछा जाए 7/5 कहाँ होगा, तो 7/5 ये आप देख सकते हैं यहीं से काउंट करके, 3/5 ये है, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, तो काउंटिंग करते जाना है बस 7/5 सातवें नंबर पर, यहीं 0 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आपने ये करते जाना है, यहाँ पर आपके पास ये 7/5 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा,
8 बटा 5, 9 बटा 5, 10 बटा 5, फिर 11 बटा 5, इस तरह से आपका ये चलता जाएगा। तो एक ही नंबर लाइन पर कई सारे आप फ्रैक्शंस दिखा सकते हैं, वो सभी आप दिखा सकते हैं जिनमें नीचे 5 हो। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि बताओ कि 4 अपॉन 8 कहाँ होगा, 3 अपॉन 8 कहाँ होगा, 9 अपॉन 8 कहाँ होगा, तो इनके लिए आपको अलग नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमने 5 पार्ट्स किए थे, तो अब इनको दिखाने के लिए आपको एक अलग नंबर लाइन लगानी पड़ेगी। तो उसको भी देखना चाहें तो फिर एक नंबर लाइन लेते हैं हम इस तरह से, और इसमें भी हम मार्किंग कर लेंगे उसी तरह से जीरो के साथ स्टार्ट करके। तो ये मैं जीरो ले लेता हूँ। अब यहाँ पर नीचे जो आ रहा है डिनोमिनेटर में हर, वो 8 है तो 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो स्केल से फिर आधे आधे सेंटीमीटर के बाद इस तरह से निशान लगाते जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर होगा 1, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर होगा 2। तो इस तरह से आपने बराबर बराबर डिस्टेंस पर ये निशान लगाने हैं। अब 4 अपॉन 8 कहाँ होगा, तो यहाँ से कर लो 0, फिर 1 अपॉन 8, 2 अपॉन 8, 3 अपॉन 8, 4 अपॉन 8, ये वाला हो गया 4 अपॉन 8। उसी तरह से 3 अपॉन 8 है तो 3 अपॉन 8 इससे पीछे वाला है, ये यहाँ लिख देना हमने 3 अपॉन 8। 9 अपॉन 8 कहाँ होगा, तो ये 4 था, 5, 6, 7, 8, 9, 9 यहाँ पर होगा, ये आ गया 9 अपॉन 8। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट था हमारे पास वो यही था, फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन या संख्या रेखा पर हम फ्रैक्शंस या भिन्नों को कैसे दिखाएंगे, तो इसको आपने अच्छे से समझ के फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही है, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, तो ये है यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ वही चीज़ बोली हुई है, ड्रॉ नंबर लाइन्स एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। तो ये वाले जो हैं पॉइंट्स, ये आपने एक नंबर लाइन पर बनाने हैं, ये दूसरी वाली पर, ये तीसरी वाली पर, इस तरह से करना है। इसमें 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, लेकिन 1/2 जो है वो सेंटर में आ ही जाएगा। इसमें 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं, इसमें 5 इक्वल पार्ट्स, तो सभी हमने करके देख ही लिए। ए पार्ट में थोड़ा सा ये अलग है 1/2 वाला, 1/2 लेकिन हम कर चुके हैं, फिर भी अगर इसको देखना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। ए पार्ट कर रहे हैं हम अभी, तो नंबर लाइन ली हमने, एरो बनाया 0। अब 4 इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं, 4 के बाद आपने 4 बराबर निशान लगाने हैं, 3, 4, उसके बाद 1, फिर 1, 2, 3, 4, ये 2, इस तरह से आपने करना है, ये आ गया 3। अब 1/2 का होगा आधा, तो 0 और 1 के बीच में आधा आएगा, तो आधा कहाँ पर होगा, 0 और 1 के बीच में, तो आप ये 4 पार्ट्स हैं, 4 का हाफ यहाँ 2 पर आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2। बाकी तो सारे 1/4, 2/4, इस तरह से कर सकते हैं आप। तो 1/4 का होगा, ये सारे 4 पार्ट्स किए, 0, फिर ये 1/4, 2/4 ये वाला हो गया, 2/4 और 1/2 एक ही बात हो गई, 2/4, 1/2, फिर उसके बाद 3/4, तो 0, 1, 2, 3, ये 3/4 आ गया, फिर 4/4, तो 4/4 ये वाला है, ये 3/4 था, ये 4/4 है, उसे हम 1 कहते हैं। ऊपर नीचे सेम है तो कैंसिल करके ये 1 ही बन जाता है। तो इस तरह से आपने ये करना है, ये हुआ ए पार्ट। बी और सी सेम इसी तरह से आपने ये कर लेने हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इस एक्सरसाइज में प्रॉपर फ्रैक्शंस, उचित भिन्न। तो हम फ्रैक्शंस जो पढ़ रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, उनमें फर्स्ट है ये प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस इस तरह के हैं जो अभी तक हमने कुछ देखे हैं, मैक्सिमम इसी तरह के देखे हैं, 2/3, 4/5, 9/12, 13/16, 1/4, इस तरह से। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ये नीचे वाला हमेशा बड़ा है और ऊपर वाला नंबर जो आ रहा है ये न्यूमरेटर जिसे हम कहते हैं ये छोटा है। तो न्यूमरेटर छोटा है अंश, और हर या डिनोमिनेटर जो है ये बड़ा है, तो इसको आप कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। इसको याद रखने का आप इस तरह से भी रख सकते हैं याद, कि एक नीचे बड़ी चीज़ है और ऊपर एक छोटी सी चीज़ है, तो बड़ी चीज़ के ऊपर छोटी चीज़ रखी जाए तो प्रॉपर लगती है, उचित लगती है कि ठीक है, ये टिक जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक हाथी है उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, तो ये ठीक है, जचती है बात कि एक बड़ी चीज़ के ऊपर छोटी चीज़ सवार है, बैठी हुई है, तो उसे हम प्रॉपर कहते हैं या उचित कहते हैं। तो इसे हम उचित कह रहे हैं, इस तरह के फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस, उचित भिन्न कहते हैं। और ये हमेशा 1 से छोटे होते हैं,
तो 0 और 1 के बीच में ही पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, इस तरह के फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर कह रहे हैं। और जब उल्टा हो जाए कि ऊपर एक बड़ी चीज़ है और उसके नीचे एक छोटी सी चीज़ रख दी है, अब बोलें कि आदमी के ऊपर एक हाथी बैठ गया, तो क्या होगा इसका? तो इसका तो बुरा हाल हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो इस तरह की जब हो जाएगी तो इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर अनुचित भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाम लिखा है आपकी बुक में वो है विषम भिन्न। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास, हम बोल रहे हैं ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है या अंश है वो बड़ा होगा, जैसे ये कुछ भी नंबर ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न कहते हैं। ये विषम है क्योंकि ये देखने में उचित नहीं लग रहे हैं, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इनमें ऊपर बड़ा आ रहा है और नीचे छोटा है, छोटे के ऊपर बड़ा बैठा हुआ है, तो इस तरह से छोटी सी चीज़ के ऊपर एक बड़ी चीज़ टिकाना मुश्किल है, वो प्रॉपर नहीं लगता है, तो इसलिए हम इसे इम्प्रॉपर कहते हैं। और ये नंबर्स हमेशा 1 से बड़े होते हैं, 1 से ज़्यादा होगा ये। अब 1 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो उसको हम कैसे देखें, तो इस तरह से लिखने में वो पता नहीं चलता, तो उसको हम लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, मिश्रित भिन्न के रूप में। ये भी पिछली क्लासेस में आपने किया हुआ है, तो ये कैसे करेंगे वो हमने अभी यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ये 10/5 ही है तो हमने डिवाइड करना है बस इसको। कैसे डिवाइड करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले को, तो 5 से हम 10 को डिवाइड करेंगे। तो आप जानते हैं 5 2 10, 5 2 10, और ये ख़त्म हो गया, आ गया 2, तो इसका बन गया 2। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट पूरा ये कैंसिल हो रहा है, इसलिए मिक्स्ड में नहीं बना, डायरेक्ट ये पूरा एक इंटीजर आ गया, पूर्णांक आ गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कई जगह आपका मिक्स भी बनेगा, मैक्सिमम में मिक्स बनेगा। तो जैसे ये वाले जो हैं फ्रैक्शंस, इसमें देखें ये 3/2 को देखें, तो क्या करना है आपने, 2 से नीचे वाले से 3 को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, 2 1 2, और यहाँ पर 3 2, 1 बच गया। तो इस तरह से जब बनता है तो इसमें ये वाला नंबर पहले लिखना है, फिर उसके बाद ये वाला लिखना है, और उसके बाद ये वाला, राइट साइड से शुरू करके। तो 1, फिर उसके बाद ये अपॉन लगाना है, बटे का निशान, फिर 1 ये वाला, और नीचे ये 2। इसे पढ़ते हैं 1 1/2, 1 सही 1/2। तो ये जो बना इसे हम बोलते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। मिश्रित क्यों बोल रहे हैं, इसमें ये एक तो इंटीजर आ रहा है, ये पूर्णा पूरा नंबर, और एक साथ में ये भिन्न आ रहा है, और ये अब जो है ये प्रॉपर बन गया, उचित बन गया, ऊपर छोटा आ गया, पहले ऊपर बड़ा था इसमें, अब ऊपर ये छोटा बन जाएगा। तो इस तरह के फ्रैक्शन को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 9/5, अब इसको बोलें कैसे बनेगा, तो 5 से आपने नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करना है, 5 1 5, कितना बच गया, तो ये बचा 4। अब सबसे पहले ये लिखना है, फिर उसके बाद आपने ये लिखना है, और उसके बाद ये लिखना है, 1, फिर ये बटा का निशान, फिर 4, और नीचे ये 5, तो 1 4/5, 1 सही 4/10, 4/5। तो इस तरह से आपका ये बनेगा। आपके क्वेश्चन इस तरह से ही है, उसमें आपको इस तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न दिया होगा, विषम भिन्न, और उसको आपको मिश्रित भिन्न में बनाना होगा। तो इस तरह से ही बनेगा। एक और देख लेते हैं इसी का, 22/7 ले लेते हैं। अब इसको करना हो तो कैसे करेंगे, तो 7 से आपने 22 को डिवाइड करना है, 7 3 21, 7 21, 1 बच गया, और आपका बन जाएगा 3 1/7, 3 सही 1/7। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो ये हुआ इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करना। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर, जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी तरह का है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है इनको। तो ये यहाँ पर 6 पार्ट्स हैं, सब में सेम इसी तरह से करना है। कोई भी आप इसमें देखना चाहें, जैसे एफ को देखें अभी, तो 35/9 है, तो 9 से आपने 35 को डिवाइड करना है। तो इसमें आप कर सकते हैं इसको, 9 3 27, 9 3 27 ये बनेगा, और 8 बच जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो बनेगा वो बन गया 3, सबसे पहले ध्यान रखना है ये लिखना है, फिर उसके बाद ये नीचे वाला, 8/9, 3 सही 8/9, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपने ये बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी कर लेने हैं।
उसके बाद इसका उल्टा भी है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें इसका अपोजिट दिया हुआ है, तो उसको भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो उसमें कैसे करना है, अब यहीं पर आप देखें अगर इसको, तो क्या हो रहा है, हमने डिवाइड किया और नीचे जो बचा वो ऊपर लिखा। अब इससे अगर ये बनाना तो कैसे बनेगा, उसके लिए मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला ऐड करना है। क्यों जोड़ना है ये, क्योंकि ये माइनस करके बचा था, अब उल्टा कर रहे हैं तो इसको जोड़ देना है, हमने प्लस कर देना है। तो ये जो था इसमें आपने 9 में 3 मल्टीप्लाई करना है, 9 3 27 प्लस 8 करना है, ये ऊपर वाला जोड़ना है, ये साइड वाले जो है नीचे और साइड वाला इनको आपने मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले को प्लस। तो 9 3 27 27 प्लस 8 35 अपॉन, और नीचे यही आएगा जो नीचे था 9। तो ये इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, तो उसमें इसी तरह के पार्ट्स हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के फॉर्म में इसको बनाना है, जो विषम भिन्न के रूप में इनको लिखना है। तो यहाँ पर मिश्रित भिन्न लिखे हुए हैं, इनको विषम भिन्न के रूप में लिखना है। ए पार्ट देखें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें ये वाला प्लस करना है। तो 7 4 7 4 28 28 और 3 ये ऐड कर दो, तो ये 31 बन जाएगा, 31 अपॉन 4। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसमें देखें बी पार्ट में, तो 7 × 5 इन दोनों को गुणा करना है, 7 5 35 प्लस 6, ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 7 5 35 35 प्लस ये 6, 6 और जोड़ना है, 35 और 6 41 बटा 7, इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर देखें 6 2 6 2 12 12 और 5 ये जोड़ना है, 17 बटा 6, नीचे यही आएगा हमेशा। तो नीचे तो चेंज नहीं होना है, ऊपर क्या आना है उसको आपने देखना है, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर आपने प्लस करना है। इसी तरह से आपने ये जो नेक्स्ट है ये भी आप इसके कर सकते हैं। तो थैंक यू, इनको आप नोट करें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।